और चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान नेता नाथूराम मिर्धा की पुण्यतिथि है आज, और ऐसे में प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। पीसीसी मुख्यालय पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है और ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं और पीसीसी से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम श्रद्धा सुमन अर्पित कर नाथूराम मिर्धा को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। तो किसानों के मसीहा नाथूराम मिर्धा, उनकी आज पुण्यतिथि है और ऐसे में आज पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। भारत की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जो उनका अहम योगदान रहा है वो भी उल्लेखनीय है, और ऐसे में उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ये पीसीसी से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नाथूराम मिर्धा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेख रहा नाम अवनी लेख, देवेंद्र जाडेजा और सुरेंद्र सुंदर गुजर, वो तो सुंदर गुजर तो सिल्वर लाया है, ब्रॉन्ज लाया। नाथूराम मिर्धा साहब की आज पुण्यतिथि पर हम सारे कार्यकर्ता उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बहुत ही जनप्रिय नेता, जिनका जनाधार इतना व्यापक था कि एक बार स्थिति ये थी कि राजस्थान में कांग्रेस से एकमात्र सांसद बन पाए, तो उनकी लोकप्रियता का और जनता के प्रति जो जिम्मेदारी निभाने का, सेवा करने का, गरीबों की हितों के प्रति कार्य करने का, हितों के लिए कार्य करने का जो उनका जज्बा था, उससे उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। लोग उनके बारे में मानते थे कि उनके पास एक बार कोई चला गया तो आप ये मान के चलिए कि वो समस्या का अंतिम पड़ाव, वो गरीब की समस्या का समाधान करके ही रहते थे। मैं ऐसे बड़े नेता को, ऐसे महान नेता को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम सब कार्यकर्ताओं ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की, हम सब उन्हें नमन करते हैं। सर, एक ऐतिहासिक दिन है आज, 3 मेडल आज राजस्थान के खिलाड़ी जो है वो लेकर आए पैरालंपिक। देखिए, राजस्थान के 3 खिलाड़ी आज मेडल लेकर आए हैं, गोल्ड लेकर आए हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों तरह के मेडल लेकर आए हैं, और चाहे वो पैरालंपिक गेम हो, दुनिया के सबसे बड़े गेमों में ओलंपिक के बराबर, क्योंकि ये भी ओलंपिक है, हम सबके लिए गौरव की बात है। हमें खुशी है कि राजस्थान का परचम सारी दुनिया में लहरा है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो खेल नीति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बनाई, जिसकी पालना हमारे खेल मंत्री जो स्वयं खिलाड़ी हैं, श्री अशोक चांदना जी, वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उस पॉलिसी को लागू करने में जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में और बड़े बड़े पदों पे खिलाड़ियों को रोजगार देने की जो हमारी नीति है, उस नीति से जो एक माहौल बना है, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि इस माहौल से और अधिक लाभ मिलेगा, हम लोग और अधिक पूरी दुनिया में खेलों के मामले में राजस्थान का परचम लहरा पाएंगे। क्योंकि जब एक जॉब सिक्योरिटी होती है तो निश्चित रूप से उसकी तरफ रुझान बढ़ता ही बढ़ता है। साथ ही जो स्टेट लेवल टूर्नामेंट कराने की जो परंपरा डाली है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे भी यहाँ बहुत बड़ा एक माहौल बना है, और ये माहौल, ये आज हमें 3 मेडल ने हमारा गौरव बढ़ाया है। आने वाले समय में और मेडल जीतकर राजस्थान के खिलाड़ी कोई भी खेल हो,
कोई भी टूर्नामेंट हो वहाँ राजस्थान का परचम देश का परचम लहरा पाएंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार भी पीएम से डिमांड कर चुके हैं, कांग्रेस का क्या सोच होगा राजस्थान में क्या? कांग्रेस का जो स्टैंड इसमें रहेगा वो तो अभी AICC PCC ये तय करके बताएंगे, और जो कांग्रेस का स्टैंड होगा आप मान के चले कि पूरे देश के पूरे समाज के हित में होगा। सर असल में सोशल में कई विधायकों के सवाल उलझ पाए हैं, तो बीजेपी कहना कि उस मामले को बीएसपी के बैठक उठाए। बीजेपी के नेता या तो कानून की जानकारी नहीं रखते और या जानकारी रखने के बाद अनजान बने हुए हैं। विधानसभा के प्रक्रिया संबंधी जो नियम है उन नियमों की कहीं भी अवहेलना नहीं हुई। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, बीजेपी नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश करती है। बीजेपी ये बताए कि इस नियम की अवहेलना हुई तो मैं मानूँ कि कहीं कोई कमी रही। पूरे नियम कायदे कानूनों के हिसाब से फैसले लिए गए हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से, धैर्य बनाकर रखें। विधानसभा के जो अब संचालन सदन आहूत होगा उस सदन में अपनी बातों को रखें, जन समस्याओं को के प्रति अपना रुख स्पष्ट रखें और सदन चलाने में सत्ता पक्ष का और माननीय अध्यक्ष महोदय का सहयोग करें, क्योंकि बाहर कुछ बातें करते हैं और अंदर कुछ बातें करते हैं। सदन अच्छा चले सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है और प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी। सर एक धारीवाल जी का बयान आया था ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता को लेकर, उसमें काफ़ी मैं समझता हूँ कि इसमें मैं व्यापक बयान तो आज नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसको ये समझता हूँ कि जो ब्राह्मण संगठन है उनको इसको आलोचना के बजाय चुनौती के रूप में लेना चाहिए। धारीवाल जी को बयान देना चाहिए था नहीं देना चाहिए था वो जुदा बात हो सकती है।